दर वर्षनी जेम आ वर्षे गुरु नानक जन्म जयंती कोरोनाना लीधे सादगीपूर्वक मनावामां आवी रही छे। 551मी जन्म जयंती गुरुद्वारा खाते उजवाई हती। कोरोनाए देशमां हचमचावी दीधा छे त्यारे दर वर्षे वडोदरा शहेरमां उजवाता गुरु नानकनी जन्मजयंती पण सादाईथी उजवाई रही छे। वडोदरा शहेरना खंडेराव मार्केट पासे आवेला गुरुद्वारामां गुरु नानक देवजीनी जन्मजयंती उजवाई हती। आ वखते कोरोना महामारीना कारणे गुरुद्वारामां पण खाली भजन कीर्तन ज राखवामां आव्या हता अने जे लोको दर्शन माटे आवे छे तेओ माटे सेनेटाइजर अने सोशल डिस्टन्सिंग साथे दर्शननो लाभ आपवामां आव्यो हतो तथा लंगरमां पण सोशल डिस्टन्सिंगनुं पालन करवामां आव्यु हतुं। અચ્છા વાજે જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો કયા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો શું આખી રીતે છે? વાહેગુરુ જી કા ખાલસા, વાહેગુરુ જી કી ફતેહ, ધન ધન ગુરુ નાનક દેવજી। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हम लोग बड़े सादगी से आत्मश्रद्धा से गुरुद्वारा नानकवाड़ी में मना रहे हैं। हर साल की तरह बहुत जिसको बोलते हैं पंप एंड शो हम लोगों ने नहीं किया है। तो हम लोगों ने जो नगर कीर्तन भी हम लोगों ने इस वक्त अपने स्थगित रखा है। तो गुरुद्वारा के अंदर जैसे ज़रूरी है तो कीर्तन कथा यह सारा गुरुद्वारा में चलता रहेगा। और ये गुरु नानक देव जी का 551वां जन्मदिन है। 551वां जन्मदिन के गुरु नानक जी यहाँ पर पधारे थे और गुरु नानक जी ने यहाँ पर कुछ टाइम रुके थे, उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा बनाया हुआ है। दिस इज़ हिस्टोरिक प्लेस, हिस्टोरिक गुरुद्वारा जो बड़ौदा में एक ही है, इसके बाद में भरूच में है। मेन गुरुद्वारा जो नानकवाड़ी है तो हिस्टोरिक है। तो इसके हम बड़े सादगी से इस बार हम लोग मना रहे हैं, अदरवाइज़ तो हम बड़े धूमधाम से मनाते थे। और इसके लिए हमने जो लंगर भी है लिमिटेड रखा है और जो संगत अपनी पंगत में बैठ के डिस्टेंस से में मास्क पहन के ही सारी संगत आ रही है और डिस्टेंस मेंटेन करके गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ये सारा मना रहे हैं। क्या नाम आपका? हरजीत सिंह भिंडर। अच्छा,